हेलो फीवान दिस इज मी सात क्या हेरा नाम जिंग पहले दो हफ्तों की रीडिंग जो um, कि शुरू होता है फर्स्ट से लेके चौदह अप्रैल तक आई वॉज अबाउट टू इट ऑल इन इंग्लिश मुझे लग रहा था मैं इंग्लिश रिकॉर्ड करने वाली हूँ बढ़िया yeah, पहले दो हफ्ते की रीडिंग है और ये होगी सान ऑफ जेमिनाई के लिए सो so, देखते हैं जैमरा के लिए कैसा रहेगा पहले दो हफ़्ते का टाइम Uh, जो कि शुरू हो चुका है रीडिंग uh, शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है सबके तो साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी सो so, जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो बाकी सब सबको छोड़ दो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पे से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी रीच आउट करो रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइस मैंशन है अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी सो या इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे कि हम टाप इन करने की कोशिश करें जो आपका पर्सन है उसकी एनर्जीज में भी सो so स्टेक और शुरू करते हैं देखते हैं जैमिनाज के लिए कैसा रहेगा पहले दो हफ्ते का टाइम लवर्स hmm. आपके पास या आपके पर्सन के पास चॉइस है राइट right ना चॉइस एज इन के एक डिसीजन बनाया नहीं हुआ कि हाँ यही इंसान है या यू you नो know, कोई और इंसान है इट्स मोर लाइक या तो चॉइस है एज इन के यू uh, नो you know, एक ओपन एक ओपन कनेक्शन जिससे होता है उस तरह की चीज़ मुझे लग रही है कि कहीं कही ना कहीं एक uh, हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो, हो सकता है आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड है लेकिन आपने अपनी चॉइस जो है वो ओपन रखी हुई है आपको अभी श्योर नहीं है कि आपको यही पर्सन चाहिए या नहीं ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है हो सकता है कि उसने अपने आप को ओपन रखा हो कि शायद आप भी हो सकते हैं शायद कोई और भी हो सकता है तो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि आपकी लाइफ में हो रही है चल रही है uh, कहीं ना कहीं लेकिन आपका पर्सन यू नो हो सकता है कि कनेक्शन आपका ओपन हो uh, और uh, जब आप इस महीने के अंदर एंटर होते हो और स्पेशली जब शुरू के जो कुछ दिन हैं हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाए या आप अपने पर्सन की तरफ थोड़ा सा अटैच होना शुरू हो जाए क्यों क्योंकि जो भी एक इंसान है चाहे आप हो या आपका पर्सन है कहीं ना कहीं उसको इस कनेक्शन के अंदर थोड़ा यू नो अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी थोड़ा उसका दिल आपके लिए मेल्ट होना शुरू होगा और सॉफ्टन अप होना शुरू होगा और कहीं ना कहीं यू uh, नो you know, एक फीलिंग आएगी कि नहीं शायद मुझे इसी के साथ ही रहना है या शायद मुझे इसी के साथ ही शादी करनी है या कमिटमेंट uh, देनी है उस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव जो है वो एक एक थाट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे उस इंसान के दिल में आपके लिए या फिर आपके दिल में उस इंसान के लिए जिसके साथ आप डील कर रहे हो लेकिन राइट ना अगर हम करंटली बात करें तो जब आप ये महीना शुरू भी कर रहे हो तो तब भी एक इंसान ने एटलीस्ट एक ने हो सकता है दोनों ने ऑप्शन खुले खुले रखे हों लेकिन एटलीस्ट एक इंसान ने कनेक्शन के लिए ऑप्शन जो है वो खुले रखे हुए थे चॉइसेस जो है वो खुली थी कि हाँ यू नो कोई और भी हो सकता है आप भी हो सकते हो ये भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है उस तरह की एनर्जी थी लेकिन चीज़ें जो है मुझे बदलती हुई दिख रही हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जैसे जैसे हम यू नो अगले महीनों में जाएंगे तो अटैचमेंट जो है वो बढ़ रही है अटैचमेंट फीलिंग्स इमोशंस जो है वो स्ट्रॉग हो रहे हैं एक दूसरे के लिए लची वात है पैशन जो है वो भी डेफिनेटली एक मेजर रोल प्ले करेगा आप लोगों के कनेक्शन के अंदर एनर्जीज भी हो सकती है पैशन ओवरऑल भी हो सकता है एक दूसरे को लेके एक्साइटमेंट भी हो सकती है टाइम के साथ मुझे लग रहा है कि कनेक्शन जो है वो सॉलिड होता जा रहा है सॉलिड टू द पॉइंट जहां पे पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी इस कनेक्शन में जो भी आपका पर्सन है आप का आपका उसको लेके पजेसिव पॉजिटिव होना या है या फिर आपके पर्सन का आपको लेके पजेसिव पॉजिटिव होना दिख रहा है बहुत ज़्यादा um, हो सकता है क्योंकि पॉजिटिवनेस होगी तो हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर वो भी रुकावटें भी लगना शुरू हो जाएं कि यू you नो know, इससे बात नहीं करनी ये नहीं करना वो नहीं करना उस तरह की चीज़ें थोड़ा अग्रेसिव यू नो मुझे पॉजिटिवनेस दिख रही है जो कि आने वाले दिनों में आपको एक्सपीरियंस आप करोगे इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ रहते हुए लेकिन बहुत आम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं चाहे ये आपके एंड से हो रहा है या आपके पर्सन के एंड से हो रहा है कनेक्शन बहुत स्मूथली जा सकता है लेकिन इस तरह की जहाँ पे बातें आएंगी या जहाँ पे एक यू you नो know, एक सफोकेटिंग एनर्जी ऐड होगी कनेक्शन के अंदर चीज़ें ख़राब होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्योंकि हो सकता है कि अभी यू you नो know, जैसे होता है ना कि अभी तो कनेक्शन शुरू हुआ है और अगर अभी से रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी तो दूसरा इंसान शायद अनोय फील करेगा इस कनेक्शन में रहते हुए सो मेक श्योर कि चाहे आप कर रहे हो या आपका पर्सन कर रहा हो और अगर वो क्रॉस वॉचर है राइट right नाव तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं करो क्योंकि आपके अगेंस्ट चली जाएगी ये चीज़ पैशन है एक्साइटमेंट है पॉजिटिवनेस है कुछ भी है उसको स्लो एंड स्टडी लेकर चलो क्योंकि कहीं कही ना कहीं इस तरह का जब एटीट्यूड आ रहा है वो भी उन इन दैट सिचुएशन जहाँ पे आप अभी शुरू हो रहे हो एक दूसरे को लेके आप सोचें कि हाँ मे बी वी कैन कंसिडर ईच अदर तो वहाँ पर जब इस तरह की पॉजिटिवनेस आएगी या इस तरह के ब्लॉक्स आएंगे या रोक टोक आएगी तो दूसरा इंसान शायद फील करेगा कि शायद इट्स नॉट यू नो माई लाइफ इवन एनी लॉन्गर तो वो चीज नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो चीज़ यहां पर आके मुझे लग रहा है कि कनेक्शन को खराब कर रही है या कर जाएगी हम थोड़े और कार्ड्स देखते हैं हैपनिंग बैलेंस जो है वो कनेक्शन का थोड़ा आउट होता दिख रहा है लेकिन um, मुझे लगता है कि आप में से किसी एक इंसान को आपकी स्पेस चाहिए और दूसरे इंसान को चाहिए कि नहीं बिल्कुल स्पेस नहीं देनी और इस चिपक के रहना एक दूसरे से लाइक यू नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो उनको जानना है दूसरा इंसान काफ़ी हद तक ईजी लेके चलना चाहता है कनेक्शन को कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता दिख रहा है लेकिन इश्यूज जो हैं वो मुझे आते नज़र आ रहे हैं चीज़ें थोड़ी यू you नो know, हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए इस कनेक्शन में इस 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 एटीट्यूड की वजह से देखते हैं कि आपका पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो आ, आपको लेकर या कनेक्शन को लेकर क्या सोच रखता है या रखती है देखते हैं क्या होता है आगे लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट राइट नाउ अभी जो भी इंसान है uh, जो भी इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये फेस नहीं कर रहे सोच रहे हैं फेस नहीं कर रहे जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्या ये स्टेबल रह सकता है क्या ये ऐसे चल सकता है क्या ये ऐसे हो सकता है पॉसिबिलिटीज क्या यू नो you know, क्या चल सकता है या क्या पॉसिबल हो सकता है इस कनेक्शन में उसके बारे में सोचा जा रहा है आपके पर्सन के एंड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सुकून से अपना टाइम लेने दो ताकि कनेक्शन में जब आप रेडी हो दोनों एक दूसरे को लेकर तभी आप आगे बढ़ो सो so, देखते हैं ओर का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन के लिए या ओवरऑल आई एम द एंजल ऑफ पीस आई ब्रिंग यू न्यू ट्रेंकुलिटी एंड अमूद रोड अहेड कोशिश करो कि अपने अंदर सुकून रखो इतमान रखो पीस पीसफुल हो के यू you नो know, रहो जितना आप पोजिसिव होगे या जितना आपको होगा कि यू नो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए जाएंगे सफोकेट करो अगले इंसान को वो चीज़ें ख़राब करेंगी कनेक्शन को तो जितना आप पीसफुल हो या आपको कॉन्फिडेंस है ख़ुद पे या आपको यू uh, नो you know, एक यू uh, नो you know, एक, एक जब आपको एनरपीस होता है ना कि हाँ कनेक्शन ये इंसान कहीं नहीं जा रहा फियर नहीं होता कि आप लूज़ कर जाओगे या किसी और के साथ वो अटैच हो जाएगा तो आप काफ़ी रिलैक्स रहते हो तो आपको वो एनर्जी यू you नो know, लानी चाहिए अपने अंदर और अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो आपको भी अपने अंदर ये एक एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब होती है तो फिर आपको फियर नहीं होता तो कहीं ना कहीं शायद आप पोजिसिव इसीलिए भी हो रहे होगे शायद आपका पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होगा और आपको लगता होगा कि यू नो कोई और इसको ना ले जाए चाहे वो लड़का है या लड़की उस तरह के फियर्स भी हो सकते हैं लेकिन अगैन ये सारे फियर्स तभी आते हैं जब आप ख़ुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो मेक श्योर sure कि आप पोजसिव यू नो हो ठीक है दैट इज़ परफेक्टली फाइन लेकिन अपने बारे में आपको पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि जब आप पॉजिटिव होगे ख़ुद को लेकर अपने प्यार को लेकर आपकी फीलिंग्स को लेकर इस इंसान के लिए तो आपको फियर नहीं होगा कि वो आपको छोड़ देगा क्योंकि उसको पता होगा कि यू you नो know, आपको पता होगा कि उसको पता है कि आप वर्दी ऑफ देयर अटेंशन हो तो मेक श्योर sure कि कोशिश यू नो आप करते रहो कि आप इनर पीस जो है वह बनाए रखो इस कनेक्शन में स्पेशली इस इंसान को लेकर या देख कर स्पेशली uh, अगर वो बहुत गुड लुकिंग है तो मे भी आपको थोड़े फियर्स हों सो so, कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा या लकी रहेगा रूबी रिजुविनेट योर बॉडी कुछ लोगों को अपनी बॉडी के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है स्पेशली किसी भी वन वे और द अदर आप अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हो ग्रोथ के ऊपर काम करो मेंटल फिजिकल इमोशनल उसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है एक और कार्ड देखते हैं फाइंड बैलेंस अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस इंसान के सर के ऊपर नहीं चढ़ो ना ही उसको सर पर चढ़ने दो बैलेंस मेंटेन रखो कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड द बैलेंस बिटवी योर वर्क रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी हारमनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ ठीक अ पावर एप कोशिश करो कि इस टाइम में अपने आप को थोड़ा बैलेंस रख के चलो ज़्यादा किसी भी चीज़ को सब पर सवार नहीं करना काम घर फैमिली हर चीज़ में बैलेंस जो है वो मेन्टेन रखो ताकि आपका एनरपीज जो है वो इंटैक्ट रहे आप इनरपीज खो दोगे अदरवाइज़ सो so, देखते हैं और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है फेथ हैव फेथ जो भी आप डिज़ायर करते हो आपको वो मिल जाएगा लेकिन आपके लिए यू नो पॉजिटिव रहते हुए उस पर फेथ रखना यकीन रखना ईमान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है सो so, okay. so, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फर्दर यू विल सोन मीट द वन आप जल्द मिलोगे जो भी आप डिस्टाइन टू तो बी विद हो उसके साथ स्पेशल ग्रोथ ऑन द स्पेशल ग्रोथ um, कुछ लोग हो सकता है भी स्पेशल ग्रोथ से गो थ्रू कर रहे हो या आपका आपकी एक uh, स्पेशली अगर आप uh, पॉजिटिव हो रहे हो ज़्यादा तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ी आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप मेडिटेशन और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो ये पर्सन है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो पॉजिटिव हो रहे हो हो सकता है कनेक्शन जल्दी ख़त्म भी हो जाए कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सबके साथ मैच कर भी सकती है नहीं भी जो एटीट्यूड आ रहा है उससे जैसे मैंने कहा कि एनर्जीज़ में आ रही हैं चीज़ें ऐसी जो कि पॉजिटिव नहीं होंगी अगर ऐसा होता है कि आपका ऑब्सेशन आपके पर्सन को पसंद नहीं आता देन चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं और हो सकता है कि ये इंसान आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने में हेल्प करे कैसे आपको अपना एटीट्यूड रखना है या फिर आप पास में कर चुके हो और हो सकता है कि आपने लेसन लर्न कर लिया हुआ है और अब आप ऑब्सेसिव नहीं हो गए इस इंसान को लेकर ग्रैटिट्यूड इज़ द की ग्रेटफुल रहो अपनी लाइफ में हर लिहाज से हर चीज़ को लेकर खाली लव लाइफ की बात नहीं हो रही हो सकता है कि कुछ लोग आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो स्पेशली अगर आप इस इंसान के साथ एक साइकिल गुजार चुके हो तो मेक श्योर sure कि आप रिपीट नहीं करो जो आपने पहले मिस्टेक्स की थी वो इस कनेक्शन में दोबारा नहीं होनी चाहिए एक हार्मनी uh, पीस जो है वो बरकरार रहना चाहिए ताकि कनेक्शन स्टेबल रहे और ऑब्सेशन जो है वो इसे नेगेटिवली इम्पैक्ट ना कर सके सो so ये थी आपकी रीडिंग अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस टेक केयर बाय